ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਾਇਕ ਲੈਂਬਰ ਸੈਨਪੁਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪਾਣੀਪਤ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼। कारगिल युद्ध में देश पर शहादत देने वाले ऋषिपाल त्यागी को आज शहीदी दिवस पर याद कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर शहीद के परिवार के साथ गांव के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। देश पर ऋषिपाल त्यागी ने 18 साल पहले युद्ध में दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए सीने पर गोलियां खाई थी। कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के नव नियुक्त अध्यक्ष कपिल बुद्धिराजा का आज रेस्ट हाउस में भाजपा के पदाधिकारियों और समर्थकों ने स्वागत किया। बुद्धिराजा ने कहा कि हरियाणा में विलुप्त हो रही संस्कृति को दोबारा जगाने का वो काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों में टैलेंट कूट कूट कर भरा पड़ा है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा। इसके लिए वो मुख्यमंत्री से मिलकर सरकारी स्कूलों में म्यूजिक टीचर भर्ती करवाने की मांग करेंगे और साथ ही जल्द ही अपनी टीम की घोषणा कर भाजपा को पानीपत में मजबूत करने की और भी कोशिश करेंगे। स्कूलों में सांस्कृतिक विभाग से जुड़े हुए जो सरकार के प्रोग्राम हैं, उसमें सरकारी दफ्तर जो हैं उसमें अगर और ज्वाइनिंग की जरूरत है, कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से मिलकर स्कूल में म्यूजिक टीचर्स की डिमांड करेंगे, ताकि जो बच्चों में कला है वो और निखर कर सामने आए। हरियाणा की जो विलुप्त हो रही है कलाएं, संस्कृति हमारी जो विलुप्त हो रही है, उसको बचाने का प्रयास करेंगे। वार्ड 14 विकास नगर एनएफएल के निवासियों ने एक आम सभा का आयोजन कर पार्षद पति के आरोपों का खंडन किया है। सभा की अध्यक्षता कर रहे अतर सिंह रावल का कहना है कि हाउस की मीटिंग में ये कहा गया था कि विकास नगर में कम्युनिटी सेंटर गलत तरीके से बनाया गया है। हाउस में दिए गए इस बयान के विरोध में आज सैकड़ों की संख्या में विकास नगर के लोगों ने इकट्ठा होकर कहा कि वार्ड में कम्युनिटी सेंटर बनना चाहिए। कम्युनिटी सेंटर बनने से वार्ड के लोगों को लाभ मिलेगा। विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नई नई पार्टियां भी अस्तित्व में आ रही हैं। राजनीति दुनिया में वोटर्स पार्टी भी कदम रख चुकी है। बुधवार को वोटर्स पार्टी ने प्रेस वार्ता कर अपना विजन साफ किया। पार्टी के संयोजक सही राम रावत ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रत्येक वोटर को प्रति महीने 5,000 रुपए देंगे, यानी कि वोटर्स को लुभाने के प्रयास पूरी तरह किए जाएंगे। वोटर्स पार्टी का दावा है कि सत्ता में आए तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में काम करने वाले लोगों की तर्ज पर विधवा, अनाथ, विकलांग, बच्चे और बड़ों को प्रति माह 4,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नवंबर माह में पार्टी हरियाणा में पद यात्रा निकालेगी और पूरे हरियाणा में अपने विजन को साफ करेगी। तीज का त्योहार समय के अनुसार बदलता जा रहा है। एक जमाना था जब पेड़ों पर रस्सी डालकर महिलाएं झूला झूला करती थी और तीज को सेलिब्रेट किया करती थी, मंगल गीत गाए जाते थे, लेकिन बदलते दौर में तीज प्रतियोगिताओं तक ही सीमित रह गई है। वर्तमान दौर में स्कूल कॉलेजों में प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिससे तीज का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। सनोली के नेहरू युवा केंद्र में बच्चों ने अपने ही तरीके से तीज मनाई। पानीपत के एक निजी अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जबकि बच्चे को सही सलामत बचा लिया गया। महिला के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।